आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड हमें कहाँ से मिलता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड हमें कहाँ से मिलता है। इसमें देखो, फूड तो ऐसे में दो तरीके से, दो ऑफ सोर्स होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल। इसमें दिया हुआ है वैरायटी ऑफ फूड, फूड की कितने वैरायटी होते हैं। इसमें दिया हुआ है एक एक्टिविटी वन, इसमें कहा गया है कि आपके जितने भी फ्रेंड है कौन सा कौन स्टेट में रहता है, उससे आप पूछिए कि वहाँ का फूड क्या है, वहाँ पर कौन क्या खाता है। जैसे कि रोटी, चावल, दाल, जैसे इडली, डोसा, ये सब कहाँ का दिया हुआ, मछली, किस स्टेट का क्या फूड है, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें है जो इसमें हम पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट का, इंग्रेडिएंट किसको बोलते हैं। जब दो चीज़ को मिलाकर थर्ड चीज़ तैयार किया जाए तो उसको बोलेंगे हम इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ढंग से कर ले, ये इंग्रेडिएंट हो गया। इसमें दिया हुआ है एक फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट, ऐसे इंग्रेडिएंट हम कैसे बनाते हैं, जैसे रोटी और चपाती। रोटी कैसे बनता है, आटा और पानी से। तो आटा और पानी क्या हो गया, दो तरह हो गया, और चपाती भी आटा और रोटी से बनता है। तो दिया हुआ इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गया, आटा और चावल। दाल कैसे बनता है, पल्सेस, वाटर और सॉल्ट। और इसमें दाल कैसे बनाते हैं, जैसे कि हम मसाला डालते हैं उसमें, जैसे हल्दी, नमक और पानी। तो ये तीनों चीज़ मिलाकर क्या होता है, दाल तैयारी होता है, तो उसे हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में